शाहिद खाकान अब्बासी की बहन की खाली नशस्त पर जहांगीर तरीन की बहन को टिकट जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खातीन के नशस्त के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। एक नशस्त थी और 11 खातीन थी जो को उम्मीदवार के लिए वहां पर चुनी गई थी। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी बताइएगा। अजय बिल्कुल, सेनेट की जो 15 नवंबर को खातून की नशस्त पर इंतखाब होने जा रहा है, इस हवाले से जो कूरा है वो जहांगीर तरीन की बहन के नाम निकला है और सीमी एसडी को जो है वो बाजाबता तौर पर आज सेनेट के लिए टिकट जारी कर दिया गया है। सूरत हाल ये है कि जो सादी आबासी की सीट खाली हुई थी उस पर तहरीक इंसाफ की 11 से ज्यादा खवातीन ने टिकट के लिए अप्लाई किया था और खवातीन को उम्मीद थी कि इस बार किसी वर्कर को टिकट मिलेगा, लेकिन एक बार फिर जहांगीर तरीन जो है वो अपनी हमशीरा के लिए टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए और कल वजीर आजम के दौरे लाहौर के मौका पर जो जहांगीर तरीन मुतहरिक नजर आ रहे थे। कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि कल ही अब वज़ीर आज़म की लाहौर में मौजूदगी के दौरान उनसे फैसला लिया गया और उनकी उनको दरख्वास्त की गई कि सीमी एसडी के लिए टिकट दिया जाए और जो बिलाखिर आज बाज़ाब्ता तौर पर सीमी एसडी के लिए टिकट जारी कर दिया गया। अब 15 नवंबर को जो इलेक्शन होगा उसमें तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार जो है वो सीमी एसडी होंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।